सी ड्राइव पे मुझे पार्टीशन करना है जो ऑलरेडी पार्टीशन अभी तक किया नहीं हुआ है। सी ड्राइव में मैंने राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद मैंने टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB कैलकुलेटर ओपन करना है। फोर सेवन सिक्स थ्री सिक्स थ्री वन टू माइनस फोर फाइव टू फाइव फाइव ज़ीरो, ये ऑलरेडी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू MB सी ड्राइव पे कंज्यूम है और मुझे चाहिए 125 GB। तो 125 × 1024, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, दैट इज़ 128,000 MB माइनस 23,000 जो ऑलरेडी कंज्यूम है 762, तो 104,238 MB। अभी इस फिगर को जो एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस इन श्रिंक जो अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB है, यानी 452,550 माइनस जो अभी कैलकुलेशन किया था 104,238, दैट इज इक्वल टू 348,312। तो यहाँ पे एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB 348,312। अब देखिए ये अभी एंटर करने के बाद टोटल साइज आफ्टर श्रिंक इन MB जो हमें रिक्वायर्ड वो आ गया 128,000। दैट मीन्स 128,000 अगर हम कैलकुलेट करें, सॉरी 128,000 डिवाइडेड बाय 1024 MB, दैट इज 125 GB जो हमें चाहिए वो। देन द श्रिंक, क्लिक द श्रिंक बटन, श्रिंक होने के बाद 340 and 50 GB अनअलोकेटेड दिखा रहा है। तो अभी 125 GB आ गया मुझे जो रिक्वायर्ड था वो सी ड्राइव पे आ गया है। इस अनअलोकेटेड स्पेस को मुझे न्यू सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो है उतना ही मुझे रखना है, इसलिए मैं लेटर असाइन करना है। उसके बाद NTFS से बाय डिफॉल्ट वैसे ही रखना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश। थ्री फोर्टी एंड फिफ्टी जी पार्टीशन प्रिपेयर्ड।